टीआरएस कॉलेज में प्रवेश के लिए 60% की बाध्यता को खत्म करने की मांग को लेकर छात्र उतरे सड़कों पर। विगत कुछ दिनों से छात्रों के द्वारा टीआरएस कॉलेज में प्रवेश में 60% की बाध्यता को खत्म करने की मांग की जा रही है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, छात्रों ने पूर्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंप मांग की थी। छात्रों का कहना है कि समूचे रीवा जिले का एकमात्र आर्ट एवं कॉमर्स महाविद्यालय होने के कारण यहां ऑटोनॉमस महाविद्यालयों के लिए बनाई गई नियमावली टीआरएस कॉलेज के लिए उचित नहीं है। थर्ड राउंड के बाद भी कॉलेज की 5000 खाली सीटों में महज 1300 सीटें ही भर पाई हैं। सोमवार को छात्रों ने कॉलेज के बाहर काफ़ी संख्या में बैठकर अपना विरोध जताया, जिससे कि कॉलेज चौराहे में काफ़ी समय तक जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान छात्रों ने प्रशासन पर छात्र हितों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। 5-6 दिन से हम लोग कलेक्टर मैडम टाइम दे रही थी, हम लोग जाते थे वहाँ से हम लोग को वापस कर दिया जाता था। आज सुबह हम एसडीएम साहब से निवेदन किए कि मुझे मिलवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर मैडम बहुत बिजी हैं, आप छात्रों की बात नहीं सुनेंगे और उनके पास टाइम नहीं है। हम लोग मजबूरी में टीआरएस में 60% प्रवेश दी और 60% नीचे वालों को प्रवेश नहीं हो रहा है। लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, प्राचार्य जी यहाँ के 4 बार लिख चुके हैं उच्च शिक्षा विभाग को, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कि यहाँ का जिला प्रशासन हम लोग की बात सुनने के लिए तैयार है। एसडीएम साहब जिस दिन हम लोग घेराव किए थे बोले कि अभी आ रहे हैं, उन्होंने उस दिन नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए, और अगले दिन से अपनी तरफ आते हैं, कहते हैं कि आप लोगों को 1 बजे का टाइम है, कलेक्टर मैडम 1 बजे मिलेंगी, 1 बजे हम लोग जाते हैं कहते हैं 4 बजे मिलेंगी, 4 बजे जाते फिर भी नहीं मिलती। आज फाइनली हम लोगों ने फोन करके निवेदन किया एसडीएम साहब से, हम लोगों को मिला दीजिए, हम लोग छात्र कलेक्टर मैडम से मिलना चाहते हैं। इससे 2-3 साल पहले भी हम लगातार इस मुद्दे पर कलेक्टर मैडम ने ही हम लोग को न्याय किया है और उच्च शिक्षा विभाग से बात करके प्रवेश हुआ था। इस बार भी हम लोग की बात है जो कलेक्टर मैडम ने को न्याय दें और छात्रों का प्रवेश हो, लेकिन साफ साफ एसडीएम साहब का कहना था कि कलेक्टर मैडम बहुत बिजी हैं, आप लोग जन सुनवाई में कल आइए। और हम लोग की लास्ट डेट आ गई है 13 तारीख, आज वेरिफिकेशन अगर नहीं होता तो इसके बाद प्रवेश नहीं होगा महाविद्यालय में। तो हम लोग मजबूरी में और कलेक्टर मैडम को हम लोग चाहते हैं यहीं पे आए, हम लोग की बातें सुने, हम लोग भी इसी जिले के लोग हैं, छात्र हैं और छात्रों से मिलकर।